के 3 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन को लेकर कई दिनों से मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने दो टूक कहा कि राहुल वो बोलते हैं जो पाकिस्तान और चीन को पसंद है। संकट के वक्त राहुल के सियासत को लेकर अमित शाह ने एतराज किया। पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है, इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है। मेरे लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के हालात काबू करने के लिए सामने आई केंद्र सरकार ने आज इसकी पूरी रणनीति भी साफ की। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में हालात काबू में हैं, कम्युनिटी स्प्रेड जैसे कोई बात नहीं है, 4 गुना टेस्टिंग हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार को लेकर शाह तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि संभावित मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख बताने से लोगों में डर का माहौल बना। भारत सरकार काफी कुछ मदद भी कर सकती है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है, और अस्पताल बहुत सारे MCD के हैं, नीचे के कर्मचारियों की संख्या भी MCD की ज्यादा है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे, और बाद में MCD के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए, और आज मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी, कि लगभग जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी ना बेड बचेंगे, और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं, मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते आते हैं जाते हैं, आसपास के राज्यों से जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला। यहाँ तो कोविड का सवाल है, NCR की भी मैंने मीटिंग की है, NCR के सारे लोग आए थे, इनके साथ मीटिंग की है, और अभी दिल्ली का जो मॉडल बना है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करने वाला हूँ, अरविंद जी तो रूप में है ही है, उनको साथ में रखकर ही फैसला करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगा, और NCR को पूरा संपूर्ण जानकारी अब तक इकट्ठा हो गई है, गृह मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गई, एक समन्वित रणनीति हम बनाएंगे NCR के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों से बात कर। और इसी तरह से टेस्टिंग बढ़ाना, अस्पतालों का गाइडलाइन तय करना, ये सारी चीज़ें NCR में भी चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और ढेर सारे फैसले लिए हमने। उधर दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के केस में भारी उछाल दर्ज हुआ है। कल भी करीब दिल्ली में कोरोना के 3000 नए मरीज सामने आए, लेकिन दिल्ली अकेला राज्य नहीं है जो देश के लिए तनाव का सबब बना हुआ है। 8 राज्यों में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की भी काफी बड़ी तादाद है। कोरोना जैसे छिपे हुए दुश्मन से लड़ाई का यह नया मोर्चा है।
दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल के नाम से देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार है। 10,000 बेड क्षमता वाले इस कोविड सेंटर का कल गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका जायजा लिया। कोरोना के खिलाफ थाली और घंटी बजाकर जंग छेड़ने के करीब 3 महीने बाद जब इतने बड़े कोविड सेंटर की दिल्ली को जरूरत पड़ी तो इसके पीछे की मजबूरी को समझना मुश्किल नहीं। दिल्ली उन 8 सूबों में है जो कोरोना के केस में देश की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली में कल भी कोरोना के 2,948 मामले सामने आए। दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 80,188 हो चुके हैं। कल रात जारी आंकड़ों में 66 और लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इस तरह दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,558 हो गया। दिल्ली उन 8 राज्यों में से है जो इस वक्त कोरोना महामारी के समय देश के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। केवल 8 राज्य यानी कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, इन 8 राज्यों को मिला लें तो 85.5% कोरोना वायरस के कुल मरीज इन्हीं 8 राज्यों में हैं। मरने वालों की संख्या भी देखी जाए तो 87% मरने वाले कोरोना वायरस के पेशेंट इन्हीं 8 राज्यों में हैं। तो साफ ये है कि अगर इन 8 राज्यों में हम काबू पा लें तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है। इन 8 राज्यों के आंकड़े डराने वाले हैं। इन राज्यों में कोरोना के अब तक के केस पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में 1,59,133, दिल्ली में 80,188, तमिलनाडु में 78,335, तेलंगाना में 13,436। भारत में कोरोना एक्टिव केसेस और ठीक हुए मरीजों के बीच का अंतर लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और ये कोरोना वायरस से जंग के सिलसिले में सबसे अच्छी खबर है। इस वक्त कोरोना वायरस के एक्टिव मामले भले ही 2 लाख हो लेकिन ठीक हुए मरीजों की संख्या 3 लाख पहुंच चुकी है। अब तक इतने कोरोना केस सामने आए हैं लेकिन इस बुरी खबर के बीच राहत की बड़ी बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की रफ्तार यानी रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ा है। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 58% से ऊपर पहुंच गया है जबकि मृत्यु दर 3% से कम है। अब तक 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 84,245 मरीज ठीक हुए हैं जबकि दिल्ली में अब तक 49,301 लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी 10,000 से ज्यादा मरीज कोविड-19 से पूरी तरह से उबर चुके हैं। इन 8 राज्यों की वजह से जून के महीने में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान में पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को मिला था केरल के अंदर। 2 से 3 लाख होने में कोरोना को 10 दिन लगे, 3 से 4 लाख होने में 8 दिन और 4 से 5 लाख होने में सिर्फ 6 दिन। कोरोना का आंकड़ा हिंदुस्तान में इस समय तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खौफ के बीच ये आंकड़े आश्वस्त करते हैं कि महामारी से जंग में हम सही दिशा में जा रहे हैं। जरूरत है कोशिशों को और बढ़ाया जाए और हर नागरिक सख्ती से कोरोना से जुड़े सारे नियम कायदों का पालन करे क्योंकि एहतियात ही इस बीमारी को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। 1.5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी आज 3 महीने बाद वहां पर आखिरकार सलून खोल दिए गए। हालांकि इनके लिए कड़े नियम कायदे बनाए गए हैं। सलून खुल चुके हैं लेकिन जिम और स्पा खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। करीब 3 महीने बंद रहने के बाद मुंबई में सैलून खुले तो नजारा बदला बदला हुआ था। बाल काटने वाले लोग किसी स्वास्थ्य कर्मी की तरह पीपीई किट में नजर आए। हाथ में दस्ताना, चेहरे पर फेस शील्ड और ऊपर से नीचे तक नीली पोशाक। कोरोना काल में कुछ इसी तरह नजर आ रहे हैं हेयर कटिंग करने वाले। मुंबई में जब सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले तो आज तक ने सैलून का जायजा लेकर देखा कि बदले हुए माहौल में क्या बदला है।
मुंबई में इस वक्त सलोन्स खुल चुके हैं, हेयर कटिंग और हेयर कलरिंग जैसी सर्विस फिलहाल दी जाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आने के बाद मुंबई में आप देखेंगे बाय अपॉइंटमेंट कस्टमर्स को अलाउ किया जा रहा है। प्रिकॉशंस की अगर आप बात करें तो मिनिमम टच रखा जाए, ये उसकी आप कह सकते हैं एक तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। जैसे कि ये आपने देखा, यहाँ पर दरवाजे को बिना हाथ लगाए अपन जा सकते हैं। अगर आपको सैनिटाइजर मशीन को टच नहीं करना है तो सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर्स यहाँ पर रखे गए हैं, जो आप फीवर के लिए जो मापने के लिए जो गन होती है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो कस्टमर्स की अगर आप बात करें तो कुछ लोग प्रेफर कर सकते हैं कि सीट सैनिटाइज करना, बट यहाँ पर जो गाउन नॉर्मली दिया जाता था उसके साथ हैंड ग्लव्स, मास्क और शू कवर दिए जा रहे हैं, तो आप सीट पर बैठें तो सेफ रहें। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद आज पूरे महाराष्ट्र में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। कोरोना मामले में मुंबई की तरह हॉटस्पॉट बन चुके पुणे में भी तमाम सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल गए। तो 3.5 महीनों बाद महाराष्ट्र में हेयर सैलून शुरू हो रहे हैं। मैं फिलहाल पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फिर से बिजनेस शुरू हो रहा है तो लोग कितने उत्सुक है, हेयर सैलून वाले कितने उत्सुक है, ओनर्स कितने उत्सुक है, और देख सकते हैं कि फिर से बिजनेस शुरू हो गया है लेकिन सावधानी के साथ। अलिफिया बताएं कैसे लग रहा है 3.5 महीनों बाद फिर से बिजनेस शुरू होना? हम बहुत एक्साइटेड है, यस थोड़े से नर्वस भी है। ऐसा नहीं है कि हम पहले नई सेफ्टी मेजर्स मींस इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन अभी और भी प्रेशर है और क्लाइंट्स का एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, अभी 1.5 महीने से हमारी तैयारी शुरू थी। सैलून और ब्यूटी पार्लर तो खुल चुके हैं लेकिन कई सारी पाबंदियों के साथ, यानी ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह जब मन चाहे और जैसे चाहे सैलून पहुंच गए। सैलून जाने से पहले आपको बुकिंग करानी होगी। सैलून में एंट्री होते ही ग्राहक का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और माना के मुताबिक होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश करते ही ग्राहक को सैनिटाइज किया जाएगा, ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सीट पर बैठाया जाएगा। जो शख्स हेयर कटिंग सर्विस देगा उसे पीपीई किट का इस्तेमाल करना होगा। ग्राहक को जिस टॉवेल नैपकिन से एक बार सेवा दी जाएगी उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सैलून को हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। अभी यहाँ पे आज से चालू हो गया है सैलून, तो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं ऐसे तो अच्छा है। यहाँ पे सरकार अभी हम सबको अच्छा राहत दी है यहाँ पे, मतलब सैलून काम करने के लिए। यहाँ पे हमारी सेफ्टी भी अच्छी है, सब आप ये भी है, सब सैलून जो हेयर कटिंग करते हैं वो लोग भी पीपीई किट मास्क ये सब यूज कर रहे हैं। राहत तो बहुत मिली क्योंकि जब मेरे बाल बढ़ गए थे तो पप्पा ने घर पे मतलब टकला करा दिया था, तो अभी कैसा बाल भी उग रहे तो कान वीन पे आ रहे थे ना, तो इधर आके मतलब शेप वीप में लाया तो अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा डर का है, अंकल ने सब सेफ्टी विफ्टी लिए तो डर किस बात का। फिर लोगों को लंबे समय से सैलून खुलने का इंतजार था, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 5,318 नए मरीज सामने आए और इस तरह सूबे में कोरोना केस की संख्या 1,59,133 पहुंच गई। कल यहां 167 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 7,273 लोग जान गंवा चुके हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहां कल 2,077 नए मरीज सामने आए। मुंबई में अब तक कोरोना के 74,252 केस आ चुके हैं। कल 65 लोगों की मौत के बाद मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,284 पहुंच गई। इन आंकड़ों के बीच सैलून खोलने का फैसला साहसी कदम कहा जाएगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, लोगों ने राहत की सांस ली है जिस तरह से सैलून खुले, लेकिन वहां पर तमाम नियम कायदे की कानूनों की बात वहां पर ध्यान में रखी जा रही है ताकि जरा से भी चूक ना हो और ग्राहकों को साथ ही जो लोग सैलून में काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का खतरा हो। मॉनसून की शुरुआत में ही बारिश और बाढ़ ने असम में कोहराम मचा दिया। बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है और हालात बदतर हो रहे हैं। 21 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और हजारों लोगों को रिलीफ कैंपों में रखा गया है। डूब गए घर बार, दरिया बन गई सड़कें, पानी के बहाव में बह गया पुल,
असम पर बरसी आसमानी आफत। हर साल की तरह इस बार फिर बारिश और बाढ़ असम में कोहराम मचा रहा है। असम के बोंगाई गांव जिले की इस तस्वीर को देखिए। गांवों को एक दूसरे से जोड़ने वाला बांस का ये पुल पानी के तेज बहाव के साथ देखते ही देखते बह गया। असम के बोंगाई गांव जिले के पालपाड़ा इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर मानो नदी बह रही हो, पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया लगता है। हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ के दल मौके पर हैं। पानी में फंसे लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया। उधर असम के कोकराझार जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मूसलाधार बारिश से किस कदर दुश्वारियां पैदा हुई हैं। गली, मोहल्ले और घर सब पानी पानी है। असम के बाढ़ की एक और तस्वीर देखिए। पूरी बस्ती एक उफनती हुई नदी में तब्दील हो गई है। तमाम झोपड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। झोपड़ियों के बीच से पानी बेहद तेज गति से बह रहा है। इस बहाव में फूस के ये मकान कब तक टिक पाएंगे कहना मुश्किल है। यहां आसपास इतना पानी भरा हुआ है कि बस्ती में नाव चलाने की नौबत आ गई। पानी पानी हो चुका है पूरा इलाका। हैंडपंप से पानी भरती इस महिला को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी कितना भरा हुआ है। अब डिब्रूगढ़ की इस तस्वीर को देखिए। डिब्रूगढ़ पुलिस रिजर्व पर जल प्रहार हुआ है। तमाम कारें डूबी हुई हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। खाली पुलिस रिजर्व नहीं है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस भी मैंने बहुत पानी में मच हो गया। तो एसपी ऑफिस को हम इमीडिएटली हम थोड़ा सा पूरा ये ऑफिस है इसलिए थोड़ा सा कहीं पे बैठ के हम काम कर सकते हैं। सो इसलिए टेम्पररली हम इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया हूँ डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन में। कॉन्स्टेबल्स हो, होमगार्ड्स हो और ग्रेड फोर एम्प्लॉयज़ हो, जो जितना भी लोग का जो बहुत व्यवस्था बया है, खराब है, उनका जो 20-25 पीपल को बंगाली हाई स्कूल है हमारा रिसर्व का सामने बगल में, सो वहीं पे शिफ्ट किया है। ये असम का बक्सा इलाका है। लगातार बारिश से खेत, रास्ते, सब कुछ तालाब में तब्दील हो गए हैं। जिले की मतंगा नदी उफान पर है। नदी के पानी ने सैकड़ों हेक्टेयर खेतों को डुबो दिया है। असम की बाढ़ ने एक बार फिर काजीरंगा नेशनल पार्क के करीब 50% हिस्से को पानी पानी कर दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क में बने 183 कैंपों में 78 कैंप डूब चुके हैं। विकास शर्मा के साथ हेमंत कुमार नाथ, गुवाहाटी आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।